आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना है। इसमें हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर फाइंड करना है कुछ मैट्रिसेस के। ठीक हो गया जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है मैट्रिक्स होता क्या है। क्या ये मैट्रिक्स, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने डिस्कस कर लेना है। थोड़ा सा रिव्यू दे दूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर्स होता है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, तो मैट्रिक्स की अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर्स और उसको हम इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक हो गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट को हम बॉक्स ब्रैकेट भी वैसे कहते हैं, ये इस तरह से लिखी हुई होती है। ठीक हो गया जी। मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई। मैट्रिसेस का मतलब होता है कि हमारे पास बहुत सारे मैट्रिसेस को हम प्लूरल फॉर्म में जो होता है वो मैट्रिसेस कहलाता है, और जो सिंगल होगा वो हमारे पास सिर्फ मैट्रिक्स होगा। यहाँ तक ठीक है जी। इसके बाद जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर ऑर्डर की बात हो रही है, तो ऑर्डर भी हमने बेसिकली देखना होगा कि ऑर्डर होता क्या है। उसका भी सिंपल सा एक रिव्यू दे देता हूँ। ऑर्डर में हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक हो गया। ये एक सिंपल सा रिव्यू था कि हमने ऑर्डर में क्या करना होता है और मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है। तो अपने अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमने क्या करना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस यानी कि दर्जन मैट्रिसेस हैं, उनका हमने क्या करना है जी, ऑर्डर फाइंड करना है। तो ए मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। ए ए किसके इक्वल है, 2, 3 माइनस 5 एंड 6। 2, 3 माइनस 5 एंड 6। तो मैंने डेफिनेशन में भी बताया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। उसमें हमने चेक क्या करना होता है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो ये हमारे पास रो वन, ये हमारे पास रो टू। तो रोज को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम से। तो एम हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम देख लेते हैं कि इसमें इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम कितने हैं। ये फर्स्ट कॉलम और ये हमारे पास सेकंड कॉलम। कॉलम को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से। तो एन किसके इक्वल आ गया, वो भी 2 के इक्वल आ गया। तो ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 2 क्रॉस 2 के। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, बी मैट्रिक्स गिवन है 2, 0, 3 एंड 5। बी इज इक्वल्स टू 2, 0, 3, 5। अब इसमें अगर हम ऑर्डर चेक करेंगे तो इसमें भी हमने नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करने हैं। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, 2। तो एम इज इक्वल्स टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये फर्स्ट कॉलम और ये हमारे पास सेकंड कॉलम। तो एन भी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ बी, वो भी हमारे पास क्या होगा, 2 क्रॉस 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बाय। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था क्वेश्चन 1 का। इसके बाद जो है हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है जी, क्या गिवन है देख लेते हैं, सी इज इक्वल्स टू 2 एंड 4। C
इज इक्वल्स टू 2 4, ठीक है। तो अब इसका हमने ऑर्डर चेक कर लेना है, तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू, अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, एम रोज 1, और कॉलम्स कितने हैं, एक दो, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, दो, तो ऑर्डर ऑफ सी क्या आ जाएगा, 1 क्रॉस 2 आ जाएगा। इसी तरह इसका जो डी पार्ट है, डी दैट इज इक्वल्स टू 4 0 एंड 6, इसका अब हमने ऑर्डर चेक करना है। तो अब आप लोग जो है इसका ऑर्डर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अगर आप सिंपलीफाई करना चाहें तो सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। तो इसका ऑर्डर हम चेक कर लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज R1 R2 R3, हॉरिजॉन्टल वे से जो भी लिखी हुई होती है वो हमारे पास रोज होती हैं। तो इसमें रोज कितनी आ गई थी हमारे पास, 3। अब कॉलम हमारे पास इसमें कितना है जी, 1, वर्टिकल वे में जो लिखा हुआ होता है वो कितने हैं जी, 1। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा डी का, ऑर्डर ऑफ डी दैट इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 1, हमेशा सबसे पहले रोज लिखनी है और उसके बाद हमने कॉलम्स लिखने होते हैं। तो एम रोज होती हैं और एन हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास ई पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ई इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ, ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका वो कह रहा है कि हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो सेम उसी वे से हमने इसमें नंबर ऑफ रोज काउंट कर लेनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी काउंट कर लेने हैं। तो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो एम इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। और इसी तरह आप हमने कॉलम्स चेक कर लेने हैं, फर्स्ट कॉलम एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड कॉलम। तो एन को कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉलम्स कितने आ गए हमारे पास, 2 आ गए। तो इसका ऑर्डर जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, 3 क्रॉस 2, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 2 आ जाएगा। इसी तरह इसका जो है हम एफ पार्ट देख लेते हैं जी, एफ दैट इज इक्वल्स टू 2, एफ हमें जस्ट 2 की मैंने, अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास रो भी एक है और कॉलम भी हमारे पास एक है, हॉरिजॉन्टल वे से भी एक ही है और वर्टिकल वे से भी एक ही है। तो एम हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, एन भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो ऑर्डर जो होगा इसका वो क्या बन जाएगा, 1 क्रॉस 1 का बन जाएगा। इसका एक पार्ट जी जो है वो आप लोगों की असाइनमेंट होगी, वो आप लोग खुद कीजिएगा। एच पार्ट जो है मैं इसका सॉल्व कर देता हूँ, एच इज इक्वल्स टू 2 3 4 1 0 एंड 6। अब इसमें भी हमने सेम वे से रोज चेक करनी है और कॉलम चेक करने हैं। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ऑर्डर से रिलेटेड, चाहे उनको आप लोगों ने चेक करने का तरीकेकार क्या यूज़ करना है, उसकी नंबर ऑफ रोज देख लेनी है और नंबर ऑफ कॉलम चेक कर लेने हैं, बस उससे आपको ऑर्डर का पता चल जाएगा हमेशा। तो इसमें हमारे पास रोज कितनी है, एक रो ये है और दूसरी रो ये है हमारे पास। तो एम हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 2, और कॉलम 1 2, और ये हमारे पास 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 3 है। तो इसका ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ एच दैट इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 3, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब इक्वल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाई है, उसका लिंक जो है मैं आई बटन में आप लोगों को दे दूंगा, तो आप लोग जो है उसे जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, कौन से मैट्रिसेस जो हैं हमारे पास इक्वल हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स की मैं कंडीशन बता देता हूँ। इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर सेम हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, उसकी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए, हमारे पास सेम होनी चाहिए। तो वो हमारे पास मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें, एक हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है ए मैट्रिक्स और हमारे पास सी मैट्रिक्स, इसको अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये इक्वल हैं या नहीं है। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है जस्ट 3 और सी मैट्रिक्स हमें गिवन है 5-2। ठीक है, अगर हम सी मैट्रिक्स को सिंपलीफाई करें तो 5-2 क्या होता है, वो भी 3 होता है। सॉरी, ये 3 मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। अब देखें, ए मैट्रिक्स भी हमारे पास 3 है, बी मैट्रिक्स 3 है, एंट्रीज तो सेम आ गई। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इनका ऑर्डर चेक करें तो वो भी 1/1 है, और इसका ऑर्डर चेक करें वो भी 1/1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए मैट्रिक्स जो है वो सी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरह अगर हम और क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करें तो देख लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि एक क्वेश्चन और मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है और दूसरा जो है हमारे पास आई मैट्रिक्स है। इनको ले लेते हैं, इनको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या ये इक्वल आते हैं। चल जी, बी मैट्रिक्स हमें गिवन है बी दैट इज इक्वल्स टू 3-5, बी दैट इज इक्वल्स टू 3-5 एंड आई मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल्स टू 3-3+2। तो अगर आई मैट्रिक्स को हम देखें, 3 गिवन है फर्स्ट वन, और नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, 3+2 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स की भी बात करें तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 1/2 का, और इसका ऑर्डर भी क्या होगा हमारे पास, 1/2 का। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका ऑर्डर सेम हो गया हमारे पास, और सेकेंडली हमने इनकी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज, कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज कौन सी होती है, कि इसकी फर्स्ट एंट्री और इसकी फर्स्ट एंट्री मैच होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ठीक हो गया। और इसी तरह सेकेंड एंट्री और इसकी सेकेंड एंट्री भी एक जैसी होनी चाहिए। जब ये दोनों एक जैसी हो जाएंगी तो इसका मतलब इसकी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, तो क्या होगा कि बी मैट्रिक्स जो है वो आई मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमने फर्स्ट पार्ट को लिया था, इसमें ए को हमने किससे कंपेयर करवा लिया था जी, सी के साथ हमने यहाँ पे कंपेयर करवा लिया था, चेक कर लिया था कि वो इक्वल मैट्रिसेस हैं या नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसके अंदर जो है बी मैट्रिक्स ले लेते हैं और इस बी मैट्रिक्स को चेक कर लेते हैं क्या वो डी के साथ इक्वल मैट्रिक्स बना रहा है या नहीं बना रहा। तो देखते हैं, बी हमारे पास गिवन है जी 3-5, बी इज इक्वल्स टू 3-5 एंड डी इज इक्वल्स टू 5-3, 5 एंड 3। तो इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम के लिए हमने इनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करने होते हैं। अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करें तो उसके अंदर जो है हमारे पास
ऑर्डर जो है, एक रो है, नंबर ऑफ रोज 1 है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 2 है। और इसी तरह अगर डी की भी बात करें, उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं उसमें भी, 2 हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स की फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि कोरस्पोंडिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। अब कोरस्पोंडिंग एंट्रीज क्या होती हैं, यानी कि ये वाली फर्स्ट एंट्री और इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री ये सेम होनी चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये हमारे पास सेम नहीं है, तो सेकंड कंडीशन जो है इसकी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या है जी, सेटिस्फाई है, और सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी मैट्रिक्स डज नॉट इक्वल्स टू डी, यानी कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। इसी तरह आप लोगों ने जो है, मैं आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे छोड़ देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस वो आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। तो जो मैट्रिसेस इक्वल आ रहे हैं वो कंडीशन सेटिस्फाई करके आप लोग उनको इक्वल कर देना। इसके बाद जो है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें वो हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक इक्वेशन। वो कह रहा है कि ए बी सी और डी की हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और ये इस को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये मैट्रिसेस जो हैं आपस में इक्वल हैं। ठीक हो गया, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्टली उसने बता दिया कि ये मैट्रिसेस जो हैं हमारे पास इक्वल हैं, ए प्लस ए प्लस सी ए ए प्लस 2B सी माइनस 1 4D माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 0 माइनस 7 3 2 डी। अगर ये मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसका मतलब इसकी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज भी हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक हो गया, इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन थी हमारे पास। तो कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज यानी कि ये फर्स्ट एंट्री इस फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी, तो हम इसे लिख लेते हैं जी ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसी तरह ये वाली एंट्री इस एंट्री के इक्वल होगी। ठीक है, तो इसे अब हम लिख लेते हैं जी ए प्लस 2B इज इक्वल्स टू माइनस 7, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारे पास थर्ड एंट्री है और ये हमारे पास थर्ड एंट्री यहाँ बन रही है। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएंगी सी माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह जो हमारे पास लास्ट वन है 4D माइनस 6 वो किसके इक्वल आ जाएगी, 2D के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लास्ट वाली लिख लेते हैं जी फोर डी माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 2D।
अब ये हमारे पास चार इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक हो गया जी? यहाँ तक क्लियर है सबको कि उसने हमें जो है क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया कि ये मैट्रिसेस दोनों जो हैं इक्वल हैं, आपने क्या करना है इसमें से ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम यहाँ से थर्ड इक्वेशन की बात करें इस वाली की, तो इसमें हमें गिवन है सी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। जब माइनस को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सी दैट इज इक्वल टू थ्री प्लस वन, तो सी किसके इक्वल आ जाएगा, फोर। ठीक हो गया, तो सी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास फोर आ गई। तो ये वाली वैल्यू जो है हमने इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देनी है। तो जैसे ही हम इक्वेशन नंबर वन में इसे पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगी जी, ए प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। ए प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ से ए हम फाइंड आउट कर लेंगे। ए क्या आ जाएगा, इसको जब हम इक्वल की इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस फोर। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस फोर। अब ए की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, ई की वैल्यू भी आ गई है। यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज फाइंड हो गई हैं, तो बाकी रिमेनिंग फाइंड कर लेते हैं। हाँ जी, ए की वैल्यू अब हम क्या करते हैं जी, इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पुट ए इज इक्वल टू माइनस फोर इन इक्वेशन टू। तो माइनस फोर प्लस टू बी दैट इज इक्वल टू माइनस सेवन। ठीक है, इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस फोर जो है उसको हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो वो हो जाएगा जी टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन प्लस फोर। ठीक है, तो टू बी दैट इज इक्वल टू माइनस सेवन प्लस फोर दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री। एंड हमारे पास जो बी की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस थ्री बाय टू आ जाएगी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमारे पास लास्ट रह गई है, लास्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू। तो सिंपली अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डी वाली इक्वेशन ले लेनी है। ये हमारे पास डी वाली इक्वेशन है, ठीक है, फोर डी माइनस सिक्स दैट इज इक्वल टू टू डी। फोर डी माइनस सिक्स दैट इज इक्वल टू टू डी। ठीक है, फोर डी ये वाला टू डी इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस टू डी माइनस सिक्स इधर हमारे पास क्या रह गया, जीरो। फोर डी माइनस टू डी दैट इज इक्वल टू टू डी, और ये माइनस सिक्स जब इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, प्लस सिक्स हो जाएगा। टू वन टाइम्स एंड टू थ्री टाइम्स। आप ऐसे भी कट कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि डी इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था टू डी के साथ, जब इक्वल के उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा सिक्स बाय टू। तो टू वन टाइम्स एंड टू थ्री टाइम्स, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे थ्री आ जाएगी। तो ए जो हमने फाइंड आउट किया था, ए हमारे पास था जी माइनस फोर, बी हमारे पास था जी माइनस थ्री बाय टू, सी हमारे पास था जी फोर, और डी की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई। तो यही हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, विच आर द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। तो अगर किसी भी पार्ट की आप लोगों को समझ नहीं आई तो क्वेश्चन को रिपीट करके देख लीजिए, आप लोगों को मज़ीद वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नई भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को रिसीव हो सकें। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।